हाँ सही चलो ये भी अच्छा लगा और चला दो ये कांग्रेचुलेशंस सेलिब्रेशंस Don't do that. देखते तो रॉक कैमरे की तरफ देखते ना ताकि थोड़ा देश आए काम भी करते हैं ये एक छोटा सा वीडियो बना दिया गुप्ता जी हाँ जी मुबारक हो कांग्रेचुलेशन थैंक यू रुकिए निखिल जी मुबारक हो पूजा जी आपको भी मुबारक कितनी फिल्म हो गई तो पता नहीं है पिछली बार कर दिया था अभी देना पड़ेगा क्या करा जाए अभी तो हैं अभी और शिकायत तो फ्री नहीं मिलता वाओ दिस इज नाइस दिस इज समथिंग हमने पिछली बार भी पोस्टर जब रिलीज किया था तो कुछ हमें पोस्टर था इस बार हमारे एक सेकंड था बस ले लिया था आपको अपनी आंखों में बस गए बस अभी सेंटर सेंटर बिल्कुल एकदम सही क्योंकि भाई का तो गर्दन जा रहा है मेरे हाथ में सीन ही आ रहा है एक बढ़िया लेना चलिए इसको देख लीजिए ये वेब सीरीज 5 से 7 मिनट की हम बनाते हैं जिसमें हम थोड़ी सी हंसी मजाक भी होती है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता है थोड़ा सा हमारी यंग जनरेशन के लिए जो उन्हें पसंद आता है उस तरह की चीज़ें भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा रियल लाइफ से उसे बहुत कनेक्टेड रखते हैं ताकि हर कोई उससे कनेक्ट कर पाता है कि हाँ हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ होगा या हो सकता है या कभी मेरे साथ जो हुआ था वो ऐसा कुछ तो नहीं था इस तरह की चीज़ें हमारी ये वाली जो कहानी है एक्सक्यूज अस गाइस ये भी कुछ ऐसी ही है जहाँ पे हर इंसान कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्सक्यूजेस करता है अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुद को बेहतर दिखाने के लिए तो इस कहानी में भी कुछ हमारे किरदारों ने इस तरह की भूमिकाएं खेली है और इस तरह की चीज़ें की ये जो है लगभग 7-8 मिनट बना रही है कितने कितने बनाने का विचार है और कैसे इसमें देखिए अभी तो हमने करीब करीब 6-7 रिलीज कर लिए हैं कुछ हमने ऑलरेडी शूट कर लिए हैं हमारा इरादा ये है कि हम एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना लें ये टारगेट हम लेके चल रहे हैं फिर अगर हमें ये कहा जा रहा है कि लक्ष्य क्या है हमारा तो हमारा पहला लक्ष्य पहला पड़ाव ये है कि हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जहाँ पे किसी और ने कोई टारगेट कर रखा है 36 फिल्म्स के टारगेट है हम उसे लांग के उससे आगे बढ़ने की कोशिश है पहला पड़ाव ये है हमारा शॉर्ट फिल्म में मेरा एक छोटा सा किरदार है बट बाकी जो मेन है वो मैम का है और मैम ने तो सारा एक्सप्लेन कर ही दिया है तो किस टाइप का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग का है वो स्टोरी में ट्विस्ट ला लेता है बिल्कुल मतलब अगर मैंने बता दिया तो रिवील हो जाएगा सो बट या यही है पूरी कहानी का जो है ना मुद्दा बदल जाता है पूरी कहानी को एक अलग मोड जो है वो यही है मैं आपको बताता हूँ बेसिकली दो लड़कियां हैं सुंदर सी जो किसी एक लड़के के साथ फिल्म देखने की तैयारी कर रही हैं कोशिश कर रही हैं फिल्म भी देख रही हैं गेम भी खेल रही हैं और कुछ 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 ऐसा हो रहा है कि ये सबसे लास्ट में फिल्म में आते हैं और वो जो दूसरा लड़का उस लड़की के साथ करने की कोशिश कर रहा है नहीं मैं और लवीना बहुत ही हम लोग सो हम दोनों का ऐसा है कैरेक्टर कि जैसे बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है जैसे रोशन मैम ने कहा जब दो लड़कियां एक साथ रहती हैं एक घर में एंड काफ़ी दो सहेलियों के बीच में भी ऐसा होता है कि दो लड़कियों को एक लड़का पसंद आ जाता है वहाँ जाके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं आई थिंक वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है दो दोस्तों के लिए
बट हाँ ऐसा ही कुछ स्टोरी है हम दोनों की, जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं एंड एक थर्ड लड़का जब स्टोरी में आता है और हम बैठ के उसके साथ पिक्चर देखते हैं तो कौन किसको ज़्यादा भाव डाल रहा है, किसको कितना अटेंशन मिल रहा है, उस बेसिस पे है काफ़ी कुछ। कितना उम्मीद रख रहे हैं आपके ये पब्लिक को पसंद आएगा, क्या इसमें कुछ संदेश वगैरह है? आई थिंक बहुत लोग इससे रिलेट डेफिनेटली करेंगे बिकॉज ये सब चीज़ें रियल लाइफ में भी होती हैं, डेफिनेटली टीनेजर्स की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही होती हैं, सो आई थिंक बहुत लोग रिलेट करेंगे इस स्टोरी। और ये ऐसी कहानियाँ अगर आप देखें तो ये आम लोगों से जुड़ी होती है, जैसे मैम ने बताया कि रिलेटेबल है, सो ऐसा कुछ नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स है या लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को अपने वो जब देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ भी हमारे साथ भी ऐसा होता है, सो इट्स क्वाइट रिलेटेबल। निशांत जी आपसे सवाल है जी, पूछिए। आपने शॉर्ट फिल्म की है संतोष जी की, तो मतलब क्या क्यों आपको लगा कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी चाहिए, आपको क्या पसंद आया, स्क्रिप्ट या संतोष जी का अनुभव? संतोष जी ने कहा मैंने कर दिया ऐसा उन्होंने जैसा कहा मैंने कर दिया, सो हाँ पूछिए। कहानी पलक जी आपने सर की आई थिंक ये सेकंड फिल्म है शॉर्ट फिल्म, पहले आपने रूममेट्स किया था, ये भी रूममेट्स सीजन टू एक्सक्लूसिव गए थे, ये रूममेट्स का ही दूसरा हिस्सा है। और रूममेट्स को हम कम से कम 12 एपिसोड बनाने वाले हैं, हर महीने रूममेट्स एक एपिसोड व्यूअर्स तक पहुंचे। तो इस फिल्म को लेके आपको डायरेक्टर के साथ क्या अनुभव रहा? आई थिंक रूममेट्स के डायरेक्टर रोशन मैम ही थे दोनों फिल्म्स के डायरेक्टर, आई थिंक उनके साथ काम करना वाज अ कंप्लीट ब्लेसिंग, प्लस इट वाज फन टू बी ऑनेस्ट बिकॉज सेट पे आई थिंक शी मेक्स यू फील सो कंफर्टेबल, यू आर जस्ट देयर एंड यू नो इफ देयर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज दैट यू हैव या कुछ भी, तो शी इज जस्ट देयर फॉर यू ऑन फ्लोर एंड आई थिंक बहुत ही फ्रेंडली डायरेक्टर है, मुझे लगता है एक डायरेक्टर के साथ कंफर्टेबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थिंक रोशन मैम इज टोटली ऑन पॉइंट ऑन दैट विद अस। आई एग्री, आई एग्री, बिकॉज क्या होता है मैंने एक चीज नोटिस की है, इम्प्रॉम्प्टू जैसे कि एक होता है कि आप स्क्रिप्टेड होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़िए स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, बट विद मैम इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइजेशन में काफ़ी इन्होंने कहा कि चलो जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा आप करें, तो दैट वाज इट वाज फन। आई थिंक मैम वो लिबर्टी और स्पेस देती हैं, यू परफॉर्म एज द वे यू लाइक, शी विल ऑब्वियसली गिव हर इनपुट्स एंड एवरीथिंग, दिस इज व्हाट आई लाइक दिस इज व्हाट आई डोंट, बट फॉर एन एक्टर वो स्पेस मिलना टू परफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थिंक दैट वे आई थिंक इट वॉज अमेजिंग वर्किंग विथ हर। आपके जो डायरेक्टर हैं उनको काफ़ी सोचे हुए बातों से पता लगा कुछ अच्छा ही चीज़ बना होगा जी, तो ये जो है आपका स्टार्ट हो गया है जी, और ऑन एयर कब हुआ? ये ऑन एयर आज हो चुका है, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही ऑन एयर हो चुका है जी, ऑनलाइन हो चुका है, और जरूर देखिएगा और सबसे कहिएगा जाके देखे और बताइए कि क्योंकि जैसे संतोष ने कहा कि रूममेट्स को ही हम आके लेके चल रहे हैं, तो बस दो बहनों की, दो सहेलियों की, देवरानी जेठानी, हमें ये सब कुछ मिलता है हर घर में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बात सिर्फ टीनेजर्स की है, बात सिर्फ यंग की है, इससे हर कोई रिलेट कर पाएगा, तो इसीलिए हमने इसे रूममेट्स कह दिया। रूममेट्स ऐसा नहीं है कि आप दो लोग भाड़े पे रह रहे हैं, यहाँ पे दो लोग साथ रह रहे हैं, वो नहीं है। रूममेट्स ये भी है कि एक घर में दो इंसान जो दोनों के ही अपने अपने तरीके हैं चीज़ों को जीने के, चीज़ों को सोचने के, और किस तरह से वो, तो इससे हर कोई इसके साथ रिलेट हो पाएगा। सर आपसे सर संतोष जी सवाल है, अपनी शॉर्ट फिल्म में आपने बनाना है, तो वैसे डायरेक्टर साहब ने बताया है लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब आपका क्या थीम है, मकसद क्या है आपका? सर पूरे प्रोड्यूस किया और डांसर प्रोड्यूस किया, और ये जी फाइव और MX थे प्रोड्यूस किया। ख्याल आया कि ठीक है हम बीइंग प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री, आप बड़े प्रोडक्शन हाउस अगर बन रहे हैं तो आप दूसरे चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, वो बड़ी वेब सीरीज हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उनमें होता है, लेकिन ये छोटी शॉर्ट फिल्म्स हैं और रिलेटेबल हैं। तो थॉट दिवाली के आसपास बना था मेरे दिमाग में कि चलिए कुछ किया जाए अपने लिए, अपने प्लेटफॉर्म को खड़ा किया जाए, और बस फिर लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ गया, रोशन मुझे अंकिता लोखंडे मैम की शादियाँ मिल गई, काम्या पांडे मुझे कहीं और मिल गई, और एक्टर्स तो मेरे पास मतलब भरपूर है, मेरे दोस्त हैं पूरी इंडस्ट्री टीवी की, मैंने कहा लेट्स डू इट। और सोचा ही है अभी आज की तारीख में कि हर महीने एटलीस्ट, अभी तक हम 4 कर रहे हैं, मार्च से हम 6 शॉर्ट फिल्म रिलीज करेंगे, और अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 85-90-100 फिल्म्स के आसपास इस साल बनाने का आइडिया है, 100 शॉर्ट फिल्म्स और कुछ वेब सीरीज छोटी वाली 7-8 मिनट पर एपिसोड वाली, कुछ 5-7 वेब सीरीज, इसको एक गुलदस्ता बनाएंगे साल भर के अंदर, और फिर अपने आप को आंकेंगे
कि हमने जो बनाया वो व्यूअर्स को कितना पसंद आया, लोग कितना देख रहे हैं उसे, कितना पसंद कर रहे हैं, और ऑफकोर्स जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद किया जाएगा उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाएगा। हमारी रिसर्च टीम काम करेगी कि भाई जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं उसको और ज़्यादा बनाया जाए। और मैं हमेशा जब भी लोगों को अपनी शॉर्ट फिल्म भेजता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि सब लोग ये कहें बहुत अच्छी बनी है, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे सुनना बेसिकली है एज एन टीम, एज एन फादर ऑफ दिस टीम, एज एन जो भी कहें आप, कि क्या कमियां रह गई, कहां पर अच्छा नहीं था, एडिट अच्छा नहीं हुआ, म्यूजिक अच्छा नहीं लगा आपको, अपने ओपिनियन अगर कुछ है। मेरा नंबर मैक्सिमम लोगों के पास होता है, मुझे DM करें, मेरी कंपनी के इंस्टाग्राम पर जाएँ Live247 फिल्म्स के और हमें DM करें, हमें बताएं कि इस फिल्म के अंदर आपके हिसाब से यहाँ पर ये कमी रह गई है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे, मेरी रिसर्च टीम, मेरी डायरेक्टर, मेरा एडिटर ज़रूर पूरी से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम आपकी आशाओं के साथ उन पर खरा उतरे और अच्छी से अच्छी चीज़ बना के आपको दिखाएं। काफ़ी व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। और सर आपसे एक सवाल है कि कंटिन्यू रोशन जी आपकी फिल्में डायरेक्ट कर रही है, तो ऐसी क्या मतलब मेन क्वालिटी लगी आपको? नहीं, मैं आपसे ऐसे बताता हूँ, देखिए आप 3 बार से आ रहे हैं और आपको तीनों फिल्में ये वाली रोशन के साथ मिली है, और जैसे मैंने कहा और जैसे रोशन ने भी शुरू किया कि मैंने अभी तक सिर्फ अपनी कंपनी में 2 डायरेक्टर्स को साइन किया है, कामया पांडे जिनकी पहली फिल्म थी मेरे साथ खेल खेल में, उन्होंने उससे हमने चैनल लॉन्च किया था, फिर तीसरी फिल्म थी उसकी अब मैं क्या करूँ, और हमने टोटल 6 फिल्म रिलीज की, ये हमारी 6th फिल्म है, तो 2 उनकी हैं 4 इनकी हैं, शायद अगली जो फिल्म होगी या उसके बाद जो अगली फिल्म होगी वो कामया पांडे की। दोनों डायरेक्टर मेरे लिए बराबर है। रोशन के पास तजुर्बा बहुत है, रोशन ने मोर देन 10-12 ईयर्स इंडस्ट्री में अपने खुद के लगाए, उससे पहले गैरी सर जो हमारे बीच में ही है वो डायरेक्ट करते थे कहानी घर घर की क्योंकि कसौटी, तो रोशन एक बहुत बड़े तजुर्बे के साथ आती हैं। कामिया बीइंग एन एक्ट्रेस शी वॉन्ट टू चेंज हर लाइफ इन टू डायरेक्शन एंड ऑल, वो अपने तजुर्बे के साथ नहीं आती हैं लेकिन उनके पास अपना एक नयापन है, तो मैंने व्यूअर्स को एक ऐसी चीज़ देने के लिए कि जहाँ पर एक सीनियर टेक्नीशियन एज एन डायरेक्टर एज एन राइटर वो क्या दे सकती हैं लोगों को, और एक नई युवा लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 24-25-26 साल है वो क्या सोचती है, उसके एंगल से वो कैसी स्टोरी दे सकती है अभी तक ये, और शायद हो सकता है बहुत जल्दी कोई तीसरा डायरेक्टर या कोई तीसरी डायरेक्टर हमारे साथ में और काम करें। तो मेरा कुछ पर्सनल ऐसा नहीं है, बट क्योंकि रोशन के पास एक तजुर्बा है और जैसे कि मेरे एक्टर्स हैं तो वो कामया की भी तारीफ करते हैं, रोशन की भी तारीफ करते हैं, क्योंकि ये लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है पहले तो, क्योंकि मैं उतना बड़ा प्रोड्यूसर अभी तक नहीं हूँ, बट हाँ ये सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। रोशन के अंदर एक भूख है, रोशन को भी वही करना है जो बेसिकली मुझे करना है, और वो मैं नहीं बता सकता कि वो क्या है, बट हम दोनों की वेवलेंथ मैच करती है, बस रोशन चले जा रही है मेरे सफर में। तो क्या लग रहा है कि आप और रोशन जी जो है बहुत सोचे हुए इंसान जी, और टीम भी अच्छी बन गई है, सब सक्सेस तो है, ये किस्मत कोई जब मुझे मैंने भी फिल्में बनाई इसलिए क्या बात है, वाह वाह तो सक्सेस है आप हर किसी एक्टर के यंग जनरेशन जितने भी हैं जो आते हैं एक्टिंग में तो उनके ऑफकोर्स फैंस होते हैं, सो मेरा भी है, मेरे बच्चन साहब अमिताभ बच्चन जी वो हमेशा मेरे लिए एक रहे हैं रोल मॉडल, बट या आमिर खान, सो या आई डू फॉलो देम। अच्छा सर ने आपको आगे उनके तो बहुत सारी शॉर्ट फिल्म है और आपको मतलब एक्सप्लोर करने का मौका दिया तो आप अगर करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं फिर बुलाएंगे तो जरूर हाजिर होंगे। पलक मैम आप भी आगे करेंगे शॉर्ट फिल्म में सर की भी? डेफिनेटली, why not, I think Pinnacle is my family and it's like my home and I love working with them and मेरा दोनों शॉर्ट फिल्म में एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है एंड रूममेट्स तो है ही, दैट इज देयर ऑफ कोर्स, बट आई वुड लव टू वर्क फॉर मोर शॉर्ट फिल्म्स। आई थिंक रोशन मैम से लास्ट जी बिल्कुल कि वैसे सब एक्टर्स हैं नॉन है बड़े हैं लेकिन फिर भी आपको मतलब कहीं के एक्टर में थोड़ा बहुत तो कहीं की कमी आती है, तो आप कैसे बिहेव करते हैं, डायरेक्ट डांटते हैं या बता दो मैम आज कहाँ कमी रह गई? देखिए पता नहीं ये एक है ना कि इंडस्ट्री में सब मुझे जानते हैं थोड़े से कि मैम थोड़ी कड़क है, मैम थोड़ी स्ट्रिक्ट है, और बेहतर है कि प्यार से जितना करा ले वरना मैम को गुस्सा आ जाएगा तो फिर तो हम कभी जरूरत पड़ता है ना। लेकिन देखिए एक तो होता है ना कि जब हम एक्टर से मिलते हैं, संतोष जब मुझे एक्टर से, इनके पास तो मतलब
भंडार है एक्टर्स का, मतलब तो वो मिलाते हैं, तो उस वक्त हम उन्हें देख लेते हैं, भाप लेते हैं कि क्या वाकई ये हमारे कैरेक्टर में बैठेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा नहीं कि ये एक्टर दिया अच्छा इससे हम ये करा लें। हर एक्टर हर किरदार को नहीं निभा सकता है, कुछ उसे बहुत खूब तरीके से निभा लेते हैं। तो हम उस हिसाब से फिर हम लोग बहुत सारी सिटिंग्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उस किरदार में बैठ जाए। अगर कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये कैच नहीं कर पा रहे, ये वो मूड नहीं पकड़ पा रहे जो हमें चाहिए, तो वैसे में हम रिप्लेस भी कर देते शूटिंग से। आउच। तो ये भी yeah. कर दिया है हमने। देखिए एंड ऑफ द डे हमें ऑडियंस को देना है प्रोडक्ट अच्छा, तो हमारी कोशिश ये रहती है। और ऐसा नहीं है कि रिप्लेस इसलिए किया है क्योंकि वो एक्टर अच्छा नहीं है, रिप्लेस इसलिए कि उस पर्टिकुलर किरदार में वो नहीं बैठ पा रहे, तो उनके साथ हमने दूसरे किरदार किए। जैसे हमने जब कृषान को इस वाले इसमें, मतलब इट वॉज जस्ट अ सडन थिंग, तो देखा तो हमने कहा हाँ यही लड़का हो सकता है जो बिल्कुल सबके बीच से लड़की को लेके जाए अपने साथ, तो वो वाली बात है इसमें, तो इसे तो हमें कर लेना चाहिए कास्ट। तो हाँ थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है जब समझ में नहीं आ रहा है उन्हें, लेकिन फिर समझ में आ जाता है थोड़ी डांट के बाद, लेकिन प्यार से भी। We are good students. We obey the order. कोशिश ये रहती है कि प्यार से करा के ले, क्योंकि देखिए प्रेशर उन पे भी रहता है, कोशिश उनकी भी ये रहती है एक्टर्स की कि हम बेहतर से बेहतर दें, नॉट जस्ट एक्टर्स इवन द टेक्नीशियंस, कि हम जितना बेहतर दे सके, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये उनके भी करियर स्टेक पे होता है ना, तो इट्स ऑल टुगेदर अ टीम वर्क। बट यस बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन्हें बांध के रखूं प्यार से, या थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ बोथ। एक्सक्यूज मी गाइस, का सर लोकेशन जो है इधर पे बॉम्बे का ये आउट ऑफ, बिल्कुल अभी तक जितनी लोकेशन हम शूट कर रहे हैं वो बॉम्बे में शूट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग मतलब मार्च के 15 के बाद व्यूअर्स को देखने को जो कंटेंट मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है 15 मार्च के बाद में वो सारा कंटेंट आउट ऑफ बॉम्बे शूट होगा। ये आपकी शॉर्ट फिल्मों में नए आर्टिस्ट जो नए कलाकार ऑडिशन वगैरह देने आते हैं उनको चांस मिलता रहेगा सर? प्रशान मुझे जब मिले थे आज से 6-8 महीने पहले, पहली बार जब मैं रक्तांचल पूरी कर चुका था और मैं एक और वेब सीरीज प्रोड्यूस कर रहा था कंट्री माफिया, तो आई वॉन्ट टू कास्ट हिम ओवर देयर, बट कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं हुई, तो ही वॉज देयर इन माई माइंड कि आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम एज एन एक्टर, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं और मेरा होम प्रोडक्शन है, मुझे किसी से पूछना नहीं है। रोशन को मैंने थोड़ा सा बस बताया कि भाई आई वॉन्ट टू वर्क विद एक्टर, इसको किस करेक्टर में कहाँ पर हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे को जो 12 साल का तजुर्बा इंडस्ट्री का वो ये कि एक्टर तो कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, बट एक्टर से कहा वो परफॉर्म कराएं जो करना चाहता है और जिसके अंदर वो जब वो करेगा तो बहुत अच्छा कर सकता है, तो वो कराइए उससे। हर एक्टर से वो मत कराइए जो कोई भी कर सकता है। सो जो दो रोल अभी तक इनकी, दूसरी एक और शॉर्ट फिल्म है जो बहुत जल्दी हम रिलीज करेंगे, उसके मेरे साथ दो शॉर्ट फिल्म की, और दोनों में शायद उन्होंने वैसा काम अभी तक नहीं किया है जितना भी इन्होंने काम किया है। कुछ नया मैंने इनको दिया और इसको परफॉर्म करने में अच्छा लगा। बाकी जनता आपको देखना है और बताना है इनके इंस्टाग्राम पे डीएम करके कि कितना अच्छा काम जब वो रिलीज। सर फिल्म के टाइटल कौन डिसाइड करता है, क्योंकि कुछ हटके होते हैं टाइटल्स, सब फिल्मों के टाइटल्स अलग ही है, डिफरेंट है, मतलब पब्लिक में जाते तो एक क्रेज आएगा कि क्या है देखना चाहिए, तो कहाँ से आता है ये? वहाँ से शुरू होता है, मेरे पास पहुँचता है, मेरी एक बैकएंड रिसर्च टीम है, हम लोग उस पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, स्टोरी को समझते हैं कि स्टोरी हमने बनाई क्या है, और आज के कीवर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो चीज़ है, वो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा उसको सर्च करते हैं, तो वो उस नाम को बस उस तरीके से हम ढूंढते हैं। जैसे भी बड़ा अच्छा सा नाम है, मतलब यहाँ से निकला, मेरे पास आया, रिसर्च टीम ने अप्रूव किया कि हाँ सर इसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो लोग सर्च करते हैं, क्राइम को लोग सर्च करते हैं। तो अभी अगली जो एक पोस्टर रिलीज करेंगे हम, वहाँ पर कहीं पर क्राइम नाम है उस चीज़ का, हमने वो कीवर्ड्स को पकड़ा है कि कैसे वो लोगों तक ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि हम एक नया चैनल है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर रोज़ बढ़ते हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन ऑफकोर्स हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर तो एक महीने में नहीं हो गए, तो वो कीवर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि लोग हम तक जुड़े और वो एक बार हमारा कॉन्टेंट देख लेंगे, वो सब्सक्राइब का बटन हमारा दबा देते हैं और फिर वो देखते रहते हैं कॉन्टेंट, और फिर वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा नंबर हर रोज़ ग्रो हो रहा है, उससे हम बहुत खुश हैं। नाम जो इनका रखा है उससे तो पता लग रहा है कि ये नहीं, कन्या राशि में
ये स्काई 247 को रोशन कर देंगे बस। कोशिश यही है कि लाइव 247 फिल्म्स और स्काई 247 का जो एक कॉम्बिनेशन है हम लोगों का वो लोगों तक पहुंचे और ये कामयाब हो और जितना भी कंटेंट हम बना रहे हैं वो बस लोग देखें।